वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप और कैसे हैं आपके बनीस फ्रेंड्स। आज भी एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, आप लोग के लिए भी है जो मेरे वीडियोस देखते हैं, और उन लोग के लिए भी जो रैबिट्स तो पालते हैं मगर मेरी वीडियोस नहीं देखते। खैर, सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो रैबिट डाइट के ऊपर है। आप पूरा दिन अपने खरगोश को क्या क्या खिलाएंगे ये उसके ऊपर है। सो बात पहले कर लेते हैं ऑल ओवर एक समरी का कि पूरे दिन वैसे उनको देना क्या है, फिर मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी। फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने रैबिट की डाइट में 80% है मतलब सूखी घास, ठीक है। अभी ये जो घास यहाँ पे रखी है ये हरी वाली है, मैंने कुछ घास को लेके मतलब उनको मैंने सुखा लिया है, फिर उनको हे बना दिया है, और कुछ घास मेरे पास हरी रहती है बिकॉज़ ये हरी भी खाते हैं ये सूखी भी खाते हैं। सो फ्रेंड्स, 80% जो घास होती है वो हमारे रैबिट को बहुत ज़रूरी है 24 घंटे के लिए, वो रहनी ही चाहिए उनके पास में, ठीक है। 80% ग्रास हो गई, डैट मीन्स हे हो गया, एंड 10% आपको पैलेट्स देने हैं। पैलेट्स अगर आपके पास नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके अगर बनी नहीं पसंद करते, मेरे बनीस को पैलेट नहीं पसंद है कि जब इन्होंने खाया था तो इनको सूट नहीं किया तो मैंने जब से हटा दिया है, ठीक है। 10% पैलेट्स दीजिए, फिर 5% आप इन्हें वेजिस दीजिए, 5-7% आप वेजिस दीजिए, एंड जो 2-3% बच जाते हैं वो आपको फ्रूट्स देने, फ्रूट्स में आप बनाना, एप्पल, मतलब सीजनल जो होता है वो आप दे सकते हैं, बट वो थोड़ा सा एज अ ट्रीट ही होना चाहिए। बाकी वेजिटेबल्स आप देख लीजिए, आप पुदीना दे सकते हैं, धनिया दे सकते हैं उन्हें वेजिटेबल्स में, और शिमला मिर्च दे सकते हैं। फिर बात करते हैं वो लेट्यू जो सलाद के पत्ते आते हैं वो भी दे सकते हैं आप इन्हें। फ्रेंड्स, फिर ऑल ओवर जो आपको मैंने बता दिया, अब बात रही कि आपको कितनी बार क्या क्या देना है। तो घास तो आपको 24 घंटे देनी है, फिर घास के साथ आप सुबह उनको वेजिटेबल्स दे दीजिए, वेजिटेबल्स में आपके पास जो जो है वो दे दीजिए, ठीक है। और रात में जब आप खाना देते हैं तब भी उन्हें वेजिटेबल्स दीजिए। बस ध्यान रखिए कि वेजिटेबल्स जो आपने दिन में दिए वो रात में ना ही मत दें उन्हें, क्योंकि उन्हें भी वैरायटी चाहिए कि भाई हम एक ही चीज़ खा के बोर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उन्हें आप थोड़ा सा ट्रीट दे दिया कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।